श्रावणी मेला 2023 के समापन को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय सभागार में भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान SSP आनंद कुमार, DDC कुमार अनुराग, सहायक समाहर्ता स्विता भारती, सदर STO धनंजय कुमार और DSP विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार की मौजूदगी में श्रावणी मेला में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत सुल्तानगंज BDO मनोज कुमार मुर्मू, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, CEO अमित राज और राजस्व पदाधिकारी रवि कुमार के द्वारा DM, SSP समेत सभी मंचासीन पदाधिकारियों को बूके देकर किया गया। इस दौरान DM सुब्रत कुमार सेन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने श्रावणी मेला 2023 में अच्छा कार्य करने वाले पदाधिकारी और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसमें DSP लॉ एंड ऑर्डर, CEO, VDO, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के अलावा PHED विभाग के JEE, कृषि पदाधिकारी और सफाई निरीक्षक समेत कई पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। DM एवं SSP ने 2 माह के श्रावणी मेला में गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक कांवरियों की सुविधा को लेकर दिन रात मेहनत करने वालों की खूब सराहना की और सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही भादो माह में भी कांवरियों की सुविधा के लिए कार्य करने की बात स्थानीय पदाधिकारियों से कही। कार्यक्रम में मंच का संचालन BDO मनोज कुमार मुर्मू और शिक्षक पवन पाठक ने किया। श्रावणी मेला के समापन कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट और धांधी बिलारी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नमामि गंगे घाट पर श्रावण पूर्णिमा के मौके पर गुरुवार को राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध गायिका ऋचा शर्मा ने अपनी शानदार प्रस्तुति से वहां मौजूद लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इस दौरान ऋचा शर्मा के कार्यक्रम को देखने के लिए काफ़ी संख्या में दर्शकों और श्रोताओं की भारी भीड़ जुटी रही, जबकि एक से बढ़कर एक बेहतरीन भक्ति गीतों की प्रस्तुति से ऋचा शर्मा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान ऋचा शर्मा के भक्ति गीतों पर लोग झूमते दिखे, जबकि इसके अलावा भागलपुर जिले के अलग अलग जगहों से पहुंचे कई कलाकारों ने भी अपनी शानदार प्रस्तुति से श्रावणी मेला के इस समापन कार्यक्रम को यादगार बना दिया। बता दें कि श्रावणी मेला कार्यक्रम की शुरुआत मशहूर कलाकार और गायक कैलाश खेर और उनकी टीम के द्वारा किया गया था, जिसमें कैलाश खेर ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से पूरे पंडाल एवं आसपास में मौजूद लोगों को श्रावणी मेला और महादेव के रंग में रंग दिया था, जबकि समापन कार्यक्रम में गायिका ऋचा शर्मा एवं उनकी टीम ने भी जोरदार प्रस्तुति दी। भागलपुर बूसू संघ की खिलाड़ी अर्पिता दास को बिहार सरकार द्वारा खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। इसको लेकर संघ के महासचिव राजेश कुमार शाह ने बताया कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस पर बिहार सरकार की ओर से राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिता में बेहतर खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। वहीं इस दौरान भागलपुर कार्मेल स्कूल के 11वीं कक्षा विज्ञान की छात्रा अर्पिता दास को केरल में आयोजित हुई 21वीं जूनियर राष्ट्रीय बूसु प्रतियोगिता 2022 में दाउशु तलवार चालन इवेंट में कांस्य पदक जीतने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जबकि सरकार की ओर से पुरस्कार स्वरूप नगद राशि भी बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत बूसू खेल के प्रदर्शन से की गई, जिसमें भागलपुर बूसू संघ की टीम से राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर चुकी खिलाड़ी अर्पिता दास, जिया कुमारी और कृतिका आनंद ने बेहतर खेल का प्रदर्शन कर बिहार और भागलपुर के साथ संघ और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। मैं सुबोध कुमार, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बाकरपुर हाजीपुर में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। मैं 2017 से डायबिटीज का रोगी रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैं उनसे इलाज कराया, तो मैं पूरी तरह से अब स्वस्थ हूँ। बिना दवा का मेरा नॉर्मल रहता है, मैं हर एक चीज़ खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 6 महीना लगा उनसे इलाज कराने में और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कोई भी दवा नहीं खाता हूँ, डायबिटीज़ का नॉर्मल है मेरा डायबिटीज, अब नॉर्मल रहता है और मैं स्वस्थ। ऐसा इलाज मैंने पहली बार देखा है
मतलब एक अनोखा इलाज है, मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे जब इलाज कराया तो पूर्ण विश्वास हो गया कि ऐसा भी है जो पूर्ण रूप से आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक दवा है और बहुत अच्छा है। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मार्केटिंग करिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्रस्ट। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी आश्रम फिरोजपुर बाराहाट के तत्वाधान में रक्षाबंधन को लेकर संत जानकी दास सरस्वती विद्या मंदिर प्रांगण में रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ दुमका से आई कई ब्रह्मकुमारी डॉक्टर इंदु भूषण मिश्र, देवेंदु प्राचार्य केशव मिश्र, बिजली कर्मचारी विपिन कुमार, साहित्यकार और स्काउट गाइड के ट्रेनर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान ब्रह्म कुमारी दीदियों ने भाई बहनों को राखी बांधकर एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लिया। इसके अलावा कार्यक्रम में मां संगीत सदन के बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों ने बच्चे की भरपूर सराहना की। जबकि इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र देकर उत्साहवर्धन किया गया। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एसटीसी सेंटर में दो दिवसीय खेलो इंडिया राज्य बुशु वीमेंस लीग 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर बुशु संघ के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक समेत 10 पदक प्राप्त किया। अर्पिता ने देश में 3 गोल्ड मेडल, जिया कुमारी ने 2 गोल्ड मेडल, आद्या ने 2 गोल्ड मेडल, कृतिका आनंद ने 2 स्वर्ण पदक और सौम्या मिश्रा ने 1 रजत पदक जीतकर भागलपुर और विद्यालय का मान बढ़ाया है। बता दें कि पदक जीतने वाली खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी माउंटेसेसी स्कूल और 3 खिलाड़ी कार्मेल स्कूल की छात्रा हैं। वहीं इसको लेकर भागलपुर बूसू संघ और विद्यालय प्रबंधन की ओर से इन सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए इन सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।